नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो वीरेंद्र कुमार। आज पूरा देश भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नमन कर रहा है। ऐसे में झाझा की जनता, झाझा की भाजपा इकाई उनको कैसे भूल सकते हैं। हमारे साथ वर्तमान नगर अध्यक्ष विपिन जी हैं, हमारे साथ पूर्व नगर अध्यक्ष राजेश जी हैं, विजय अग्रहरी हैं, भैया लाल मात्री हैं, तमाम लोग हैं जो आज नमन कर रहे हैं भारत रत्न को और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे साथ विपिन जी जुड़े हैं। सर, आज जो कार्यक्रम हो रहा है, पूरा देश आज 95वीं इनका पुण्यतिथि मना रहा है, सर क्या क्या कर रहे हैं आप? आज मेरे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 95वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसमें इनका बहुत योगदान रहा है। बीजेपी के ये बहुत कर्मठ योग उम्मीदवार थे, ये नीचे से चलकर ऊपर आज ये प्रधानमंत्री बने और देश के लिए बहुत ऐसे अनेकों कार्यक्रम किए गया है, जैसे मुख्य सड़क आदि शहर से देहात को मुख्य सड़क से जोड़ना, नदी को बहुत ऐसी योजना जो आज उन्हीं के नाम पर चल रहे हैं, जो उन्हीं के समय में पारित हुई थी। और ऐसे महान आत्मा को मैं अपने हार्दिक दिल से और पार्टी की ओर से मैं इस नवनियुक्त नगर बीजेपी नगर अध्यक्ष बना हूँ, मैं इनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इन्हीं के साथ जय भारत जय हिंदुस्तान। राजेश भैया बोलिएगा। सर, आज जो आज हम लोग पूरा याद कर रहे हैं वाजपेयी साहब को, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हर बार की तरह मैं दैनिक लाइव 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे हर कार्यक्रम का आपने संकलन करने के लिए आप हमेशा उपस्थित रहते हैं। और आप जैसा कि पूरा देश और आप भी जानते हैं कि भारत के युग पुरुष, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95वीं जन्मदिन समारोह मनाने के लिए हम लोग झाझा नगर के इस गांधी चौक पर उपस्थित हुए हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग जो है मिठाई फल फूल बांट करते हुए हम लोग जो है ये जन्मदिन मना रहे हैं। और यह जन्मदिन जो इनका है, ये पखवाड़ा जन्मदिन मनाएंगे हम लोग। प्रत्येक वार्ड में अटल जी का जन्मदिन जो है लगातार मनाते रहेंगे और अटल जी को हम सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कर्ता के द्वारा, कार्यकर्ता के द्वारा सत सत नमन है, विनम्र श्रद्धे प्रणाम उनके चरण स्पर्श करते हैं। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने